आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आइए रुक करते इस वक्त की कुछ खास खबरों की ओर। बलरामपुर में राज्य महिला आयोग की सदस्य सुनीता बंसल ने जिले का दौरा किया। इस दौरान सुनीता बंसल ने संयुक्त जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने इमरजेंसी कक्ष, ब्लड बैंक, ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट और संयुक्त जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। सभी जगहों पर व्यवस्थाएं चाक चौबंद पाई गई। थोड़ी कमियां मिलने पर संबंधित अधिकारियों को उन्होंने तुरंत दुरुस्त कराने का निर्देश भी दिया। वहीं उन्होंने अस्पताल परिसर में खराब कैमरे को लेकर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को दुरुस्त कराने का निर्देश दिया। के सभी हॉस्पिटल्स में सभी व्यवस्था एडवांस में कर रखी है। कोई भी अगर कोई नेचुरल कैलमिटीज आती है या मरीजों को किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है हॉस्पिटल में, बेसिक जो चीज़ें हैं वो सारी सुविधाएं मुहैया कराई हैं सभी हॉस्पिटल्स में। और यहाँ भी मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ी बहुत कमियाँ हैं छोटी मोटी जो जल्दी दूर कर दी जाएंगी। यहाँ पर मैं OPD में गई हूँ, मैंने प्रसव कक्ष भी देखा है, लेबर रूम, इसके अलावा मैंने अल्ट्रासाउंड कक्ष है वो भी देखा है, मैंने किचन का निरीक्षण किया है लगभग। खबर फरुखाबाद से है, जहां तिकोना चौकी के पास व्यापार मंडल के कार्यकर्ताओं ने युवक के दफ्तर का घेराव किया। शहर में बढ़ते अतिक्रमण के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान मौके पर मौजूद चौकी इंचार्ज और अन्य अधिकारी ने व्यापार मंडल के अध्यक्ष को समझाने की भी कोशिश की। हमारा मामला ये है कि अतिक्रमण अभियान जो इस समय चलाया जा रहा है, इसके विरोध में, क्योंकि रमजान भी चल रहे हैं और तारगे भी चल रही हैं, ऐसे में व्यापारी हमारा कुछ व्यापार कर पाएगा तो ऐसे में व्यापारी का हमारा व्यापार बाधित हो रहा है। 7 घंटे पूर्व में हमारी बात हुई थी, हमने सूचना दी थी कि आप बात कर लीजिए अधिकारियों से, नहीं तो आपका घेराव करेंगे। और मौके पर हम लोग इनका घेराव करे बैठे, पक्के पुल का एक व्यापारी हमारे साथ में, सारी दुकानें हमारी ये है कि अतिक्रमण अभियान को रमजान तक, ईद तक रोका जाए और वहाँ नाम आपका जो कदम साल के चल रही है यहाँ तक रोका जाए, क्योंकि जिससे कि व्यापारी अपना व्यापार कर सके। हम लोगों की मांग है कि अतिक्रमण अभियान यहाँ चलाया जाए, ये ऊपर के अधिकारियों का, माननीय जिलाधिकारी महोदय का निर्देश पे चलाया जाए। उन लोगों को प्रतिनिधिमंडल जाकर के DM साहब को मिलना चाहिए और अपनी बात रखनी चाहिए। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में स्कूल बस में छात्र की मौत के मामले में CM योगी ने संज्ञान लिया है। CM ने DM से इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। दरअसल चौथी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे की बस में मौत हो गई थी। बच्चे की मौत के बाद नाराज परिजनों ने स्कूल परिसर में जमकर हंगामा और तोड़फोड़ की। इस मामले में परिजनों ने स्कूल प्रबंधक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं हादसे के बाद ड्राइवर फरार बताया जा रहा है। उधर पुलिस ने स्कूल से जुड़े कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। अंकुर नेहरा, नेहरा जी क्या घटना हुई है? सर हमारा बच्चा सुबह ठीक ठाक आया, गाड़ी में बैठ कर आ रहा था। गाड़ी में बैठ कर आने के बाद में यहाँ पे बता रहे कि उसने सिर बाहर निकाला पोल से, उसको वोमिटिंग वोमिटिंग बता रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ठाक था लड़का और सिर पोल से टकराया उसका। ये जीवन हॉस्पिटल लेकर गए, जीवन हॉस्पिटल में कुछ नहीं बताया इन्होंने, हम लोगों को ऐसी परेशान कर रहे। और अब पहुँचे हैं तो जाके जो है वो इतना एक्सपायर हो चुका था। चार के बच्चे के साथ ये आज सूचना मिली थी सुबह कि एक बच्चा है जो कि 5वीं और कक्षा छात्र है, स्कूल बस में बैठा हुआ था तो किसी भी कारण से उसके हेड इंजरी हुई, बस किसी चीज़ में टकराई, तो उसके बाद से हेड इंजरी के बाद से उसके अधिक रक्त बह जाने के कारण तो उसको अस्पताल ले जाया गया, तो वहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई। फरुखाबाद के रहने वाले कमालगंज सोसाइटी सचिव की कानपुर रोड पर याकूतगंज के पास एक अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सचिव फतेहगढ़ कोऑपरेटिव बैंक की बैठक में शामिल होने जा रहे थे। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जाँच में जुट गई। अभी एक मरीज शिवदेश सिंह आए थे, 60 साल के, मदन पाल सिंह की देवी का नाम था, सिविल लाइन्स फतेहगढ़ से आने के बाद से मैंने जो जांच किया इनका, बाकी मशीन में भी लगा के देखा कि सांस नहीं चल रही है, पल्स कोई नहीं आ रही है, तो हमने
रायबरेली के डीएम के बदलते ही यहाँ का निजाम भी बदल गया। यहाँ डीएम लाला श्रीवास्तव ने चार्ज लेते ही अपने दफ्तर के दरवाजे फरियादियों के लिए खोल दिए। वहीं आम लोग उनकी काफी तारीफ कर रहे हैं। बता दें लाला श्रीवास्तव एक आईएएस अधिकारी हैं जिन्होंने डीएम बहराइच रहते हुए सीएम योगी की आगवानी में किसी एथलीट की तरह दौड़ लगाई थी। तो यहाँ जब आप आए तो क्या व्यवस्था दिखी? डीएम साहब के दरवाजे खुले मिले कि बंद था, किसी ने पूछा कि नहीं पूछा? खुले मिले। अच्छा, तो इससे आपको क्या लाभ है? हमको अच्छा कि अधिकारी सब मिल लेंगे। अच्छा, थोड़ा लेट हो गया। अच्छा, बोले कि फिर भी मिला देंगे। अच्छा, उसके बाद तो अब ये जो दरवाजे खुल गए हैं डीएम मैडम के, उसको आप किस तरह देखते हैं? ये अच्छा है, जो गरीब आदमी आएगा उसका कार्य होगा। पहले ये व्यवस्था तो थी नहीं, पहले भी हमको कोई जानकारी पहले के बारे में, पहले बारे में हम यहाँ आते थे तो परेशान, अब आज ये व्यवस्था आज नहीं है। आज हमको ये देखकर अच्छा लगा कि हाँ यहाँ जो है दरवाज़ा खुला है कि हम बात कर सकते हैं, दे सकते हैं, अपनी परेशानी बता सकते हैं। खबर सिद्धार्थनगर से, जहाँ 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत ब्लॉक में स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डुमरियागंज से विधायक सैयदा खातून ने फीता काटकर मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान स्वास्थ्य मेले में आए मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और आश्वासन आवश्यक दवाई दी गई। वहीं मीडिया से बात करते हुए विधायक ने कहा कि जो भी समस्याएं हैं उसको लेकर उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है, साथ ही जो भी कमियाँ हैं उसे ठीक कराने के निर्देश दिए। यहाँ पे हर बीमारियों का इलाज है, हर डॉक्टर बैठे हुए हैं, दवाएं भी उपलब्ध हैं और लोगों को ये समझाया गया कि स्वास्थ्य अच्छा रहना ही जरूरी है, तभी हम कुछ भविष्य में कर सकते हैं। मिली थी जैसे यहाँ का टॉयलेट बाथरूम बहुत गंदा था और कमियाँ हम देख रहे थे, जो पंखा चल रहा था बहुत स्लो चल रहा था। तो मैंने कल ही एक्सियन को बुलाया और कहा कि देखिए आप वहाँ, उन्होंने भेजा कल और यहाँ दिखवाया कि वोल्टेज सही रहता है कि नहीं रहता है। और कुछ कमियां हैं जो हमने देखा कि बेड पे जो चद्दर होती है वो चद्दर नहीं लगी हुई। हाँ, लोगों का था ये शिकायत, लेकिन उस समय जो फार्मासिस्ट है मौजूद नहीं थे, नहीं तो मैं वो भी जांच करती। दवाएं कह रहे थे सारी दवाएं मौजूद है, वो जिले पर चले गए। सिद्धार्थ नगर जिले के जोगिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जिसे मुख्य अतिथि के तौर पर सदर विधायक श्यामधनी राही और जिले के सीएमओ अनिल कुमार चौधरी ने कार्यक्रम का फीता काटकर शुभारंभ किया। सदर विधायक ने कहा कि सरकार गरीबों और अंतिम लाइन में खड़े व्यक्ति के लिए कार्य कर रही है और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को स्वस्थ रखने के लिए सरकार मेले के माध्यम से योजनाओं का लाभ पहुँचा रही है। ये हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन किया है कि प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक स्तरीय लेवल अस्पताल में एक इस तरह का मेले का आयोजन किया जाए, जिसमें सभी विधाओं के सभी डिस्पेशलिटी के लोग चिकित्सक आएँ और उससे संबंधित इसका व्यापक प्रचार प्रसार करके जो भी हमारी गरीब जनता आखिरी, जैसे सर ने कहा कि आखिरी लाइन के लोग तक पहुँचे, वो लोग यहाँ तक आएँ, अपना जाँच करवाएँ, कम से कम उनको कोई अगर बीमारी है तो उसका समाधान हो सके, उनका हो सके, उनका निदान हो। मेला के माध्यम से गांव गिराव तमाम ऐसे लोग ऐसे अवसरों पर अपनी उपस्थिति नहीं दर्ज करा पाते थे और आज पेपर पत्रिकाओं के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से और स्वास्थ्य विभाग के सम्मानित डॉक्टर लोगों के माध्यम से ऐसे लोगों की चिंता जिन्हें थी उस चिंता को स्वस्थ करके चिंता को दूर करने का काम ऐसे अवसरों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने के लिए कटिबद्ध। औरैया में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां तेज रफ्तार बस ने कार को टक्कर मार दी, जिससे कार सवार चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर अभिचल पांडे ने प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को पीजीआई सफाई रेफर कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। ब्रेक नहीं लगाई, सीधे आमने सामने टक्कर। तो आपके साथ और कौन कौन लोग कार में बैठे हुए थे? हमारे साथ हमारे
विजय शर्मा जी थे जी, वो गाड़ी चला रहे थे जी। मैं बराबर वाली सीट पे बैठा था और पीछे दो लोग और बैठे थे। एक एम्बुलेंस ले आई, हमारी गाड़ी भी एक आगे आगे जा रही थी ना, उनको उनको बुला लिया। खबर अलीगढ़ से है, जहां दहेज के लिए पति ने पहले पत्नी की जमकर पिटाई की, फिर उसके सर के बाल काट कर घर से निकाल दिया। सूचना मायके पक्ष के लोगों को मिलने के बाद इस मामले की थाने में तहरीर दी गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया। हैदराबाद क्षेत्र में चौकी क्षेत्र पिलखना का एक मैटर संज्ञान में आया, जिसमें गाँव की एक महिला है, उसका आरोप है कि उसके पति और अन्य परिवारजनों ने उसके साथ मारपीट की है। इस प्रकरण में क्योंकि वह महिला हाथरस जिले की रहने वाली है, तो वहां पर जाकर ही उसने मुकदमा पंजीकृत कराया है। लोकल थाना अकराबाद पुलिस द्वारा उसके पति को गिरफ्तार करके हाथरस पुलिस को हैंडओवर कर दिया गया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई हाथरस पुलिस द्वारा की जा रही है। पति ने सिर का बाल काटकर महिला को घर से निकाल दिया, जिसके बाद से मायके पक्ष को जब इस बात की सूचना मिली तो मायके पक्ष वालों ने इस बात की शिकायत पुलिस में दी, जिसके बाद से पुलिस पूरे कार्रवाई पर एक्शन ले रही है। वही प्राइम टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। कानपुर देहात जेल में बंद बिकरू कांड की आरोपी खुशी दुबे का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया। डीजी जेल ने खुशी दुबे और महिला कैदियों के जुम्बा डांस वीडियो पर कड़ी नाराजगी जताते हुए डीआईजी स्तर के अधिकारी को जांच सौंपी है। पूरे मामले की जांच कर 3 दिन में अपनी रिपोर्ट देने को कहा है। आपको बता दें कि खुशी दुबे विकास दुबे के साथी अमर दुबे की पत्नी है, जो बिकरू कांड के बाद से ही जेल में बंद है। अयोध्या के कुसमाहा गांव में युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये घटना मोबाइल चोरी को लेकर हुई थी। फिलहाल आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि 17 अप्रैल को युवक की हत्या की गई थी। दिनांक 17 अप्रैल को अयोध्या कोतवाली के अंतर्गत ग्राम कुशमहा में सायंकाल रवि पांडे उर्फ उपेंद्र पांडे की हत्या की घटना हुई, जिसमें कोतवाली अयोध्या में अभियोग पंजीकृत हुआ था। रवि पांडे की जो है एक मोटे डंडे के द्वारा पीट करके हत्या कर दी गई। इसके बाद घटना पर हम सब लोग अधिकारीगण पहुँचे तो पुलिस टीम की सफलता से 2 इसमें नामजद अभियुक्त गिरफ्तार हुए। वही सीतापुर में रिश्तों को कलंकित करने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको बता दें कि युवक ने अपने ही मामा की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी। इस वारदात के पीछे जमीनी रंजिश बताई जा रही है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की कार्रवाई में जुट गई। खबर संभल से है, जहां के HM पब्लिक स्कूल में फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने बच्चों को आग से होने वाली दुर्घटना के बारे में बताया। इस दौरान फायर ब्रिगेड प्रभारी बहजोई खुशनूर ने कहा कि हम यही चाहते हैं कि आग से होने वाली दुर्घटनाएं ना हो, इसलिए हमने यहां पर आग से होने वाली दुर्घटनाओं के बारे में बताया और उसका डेमो भी करके दिखाया है कि किस तरीके से आग को बुझाया जाता है और होने वाली दुर्घटनाओं पर रोक लगाया जा सकता है। ये एक हमारा एक उद्देश्य होता है और ये कि आग की दुर्घटनाएं कम से कम, तो मेरा उद्देश्य ये रहता है कि
स्कूल हो, अस्पताल हो, रोडवेज हो, जहाँ पे भीड़ भरी जगह है वहाँ पे लोगों को जागरूक किया जाए और आग की दुर्घटनाएं कम हो। इसलिए मैं यहाँ पे स्कूल में आया हूँ आज, और यहाँ पे आग से कैसे बचा जाए और ये इनको डेमो भी करके दिखाया, यही मेरा उद्देश्य है। और ये हमारा फायर वीक सप्ताह भी चल रहा है, ये एक हमारा एक उद्देश्य होता है, और ये के आग की दुर्घटनाएं कम से कम। तो मेरा उद्देश्य ये रहता है कि स्कूल हो, अस्पताल हो, रोडवेज हो, जहाँ पे भीड़ भरी जगह है वहाँ पे लोगों को जागरूक किया जाए और आग की दुर्घटनाएं कम हो। इसलिए मैं यहाँ पे स्कूल में आया हूँ आज, और यहाँ पे आग से कैसे बचा जाए और ये इनको डेमो भी करके दिखाया, यही मेरा उद्देश्य है। और ये हमारा फायर वीक सप्ताह भी चल रहा है। खबर देवरिया से है, जहां स्कूल जा रहे बच्चों से भरा ऑटो पलट गया। इस हादसे में 7 मासूम बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको आनन फानन में रुद्रपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने बच्चों की नाजुक हालत देखकर देवरिया जिला अस्पताल रेफर कर दिया। बता दें, इस मामले पर ड्राइवर का कहना है कि बीच में गड्ढे आ जाने की वजह से ऑटो पलट गई। अब तक की खास खबरों में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।